हेलो दोस्तों, आप जानते हो कि 24 जून का आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हिंदी का पेपर होने वाला है। मैं फिर भी आपको पहले रूटीन दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेकर के आ गया हूँ। यही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना? तो आपको टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेना है, यही पेपर है। बट सबसे पहले आप रूटीन को समझ लो थोड़ा सा, ठीक है? ये देखिए, 24 तारीख का फर्स्ट सिटिंग में आपका हिंदी का पेपर है, ठीक है? ये कब से होगा? 6:30 से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा और 8 बजे तक होगा, यानी 1.5 घंटे का समय मिलेगा। फिर आधा घंटा आपको रेस्ट करने के लिए मिलेगा। फिर 8:30 से एग्जाम होगा 10 बजे तक, क्लियर? सेकेंड सिटिंग में आपका संस्कृत का पेपर होने वाला है। 25 तारीख का फर्स्ट सिटिंग में साइंस का पेपर होगा और सेकेंड सिटिंग में सोशल साइंस का पेपर होगा। 26 तारीख का फर्स्ट सिटिंग में मैथ का पेपर होगा और सेकेंड सिटिंग में आपका इंग्लिश का पेपर होगा, ठीक है? तो आप तो रूटीन समझ लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को पूरा का पूरा 100% सही सही देख लेते हैं, ठीक है? अब पहला क्वेश्चन को देखो यहाँ पे, ठीक है? 100% यही क्वेश्चन है, तो आपको टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेना है, ठीक है ना? आपको आंसर कितने का देना है आप ये जरा सोच करके देखो। देखिए, आपको मात्र 25 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं पलूत। क्या कहते हैं जी? पलूत कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? तीसरा हो जाएगा री, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 में बोला है अ का उच्चारण स्थान है, तो अ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ हो जाएगा, क्लियर? 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, तो इसमें शुद्ध शब्द की ये नहीं होगा, ये बच्चा गलती मार दिया है, ठीक है? ये हो जाएगा साम्राज्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साम्राज्य। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विषम्यादि बोधक चिन्ह है, तो विषम्यादि बोधक चिन्ह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऐसा होता है सर, क्लियर ना? नीचे ऐसे एक बिंदु रहता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, शब्द के जिस व्यापार से मुख और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीत हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लक्षणा। क्या कहते हैं? लक्षणा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधार समास का उदाहरण नहीं है? कर्मधार समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी में देखिए, महापुरुष लिखा है ना, ये कर्मधार समास का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो ये क्या हो जाएगा? मुनि श्रेष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन शब्द शब्द करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है? ये हो जाएगा धर्मच्युत। क्या हो जाएगा? धर्मच्युत। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं बाबू तत्पुरुष। क्या कहते हैं? तत्पुरुष कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 11 नंबर, 2 स्वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को कौन संधि कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं व्यंजन संधि कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है? वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा पृथ्वीस। क्या हो जाएगा? पृथ्वीस हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा पित्रादेश। क्या हो जाएगा? पित्रादेश हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निश्चल शब्द कौन संधि है? तो निश्चल हो जाएगा गुण स्वर संधि। क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, अनुधन ए पदों की संधि है, तो इसकी संधि क्या होगी? तो यह हो जाएगा अनु ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अनु ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? ये कितने तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़ डाले थे। 17 नंबर क्वेश्चन है, लेखक भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ये मानते हैं हुनर को, यानी कि टैलेंट को, क्लियर? 18 नंबर क्वेश्चन है, मदन किसका बेटा है? तो मदन जो है ना बाबू, ये मुखर्जी साहब का बेटा है, मुखर्जी साहब का बेटा है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो बी आर अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर जी हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, इनकी कितनी पुत्री थी? तो इनकी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5, यानी कि 5 पुत्रियां थी। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं, तो इसके कहानीकार हो जाएंगे श्रीनिवास हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक किस धारा के प्रमुख
कवि हैं, तो ये हो जाएंगे निर्गुण धारा के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निर्गुण धारा के। 23 नंबर क्वेश्चन है, नंजम्मा मगमा की कौन थी, तो ये थी उनकी बहू थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उनकी बहू थी। 24 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, तो देखिए किस धर्म का प्रवर्तन किया उन्होंने, उन्होंने किया था ईसाई धर्म का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईसाई धर्म का। और वे किस धर्म के मतलब कि निर्माता थे, ये कहा जा सकता है, ये हो जाएगा सिख धर्म का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी के कहानी किस भाषा से अनूदित है, यानी किस भाषा से अनूदित है, ये हो जाएगा कन्नड़, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कन्नड़। 26 नंबर क्वेश्चन है, देखिए आपको मात्र 25 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, मैं 30 क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किसने किया, गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किसने किया था, तो ये किए थे गुरु नानक ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुरु नानक ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन, नंज मम्मा किस शीर्षक कहानी की प्रमुख पात्रा है, तो देखिए ये थी दही वाली मंगमा की, क्या हो जाएगा दही वाली मंगमा की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, मांझी के लिए, किसके लिए, मांझी के लिए। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, विष के दांत शीर्षक पाठ के लेखक है, इसके राइटर यानी लेखक कौन है, ये हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा, क्या हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। और लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 में बोला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। मैं इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ, इसका आप लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लो। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कितने का आंसर देना है, तो देखिए आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है और ये सभी क्वेश्चन दो दो नंबर के हैं, ठीक है ना। चलिए ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, 5 ही का आंसर आपको देना है। यहाँ देखिए यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है ना, जिसमें 3 का आंसर आपको देना है, ठीक है, और ये 5 5 नंबर के हैं, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन देख लो और आप याद करके जाओ। और एक बात मैं आपको बताऊं क्या, ये वो पेपर नहीं है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप कहोगे सर आपने तो मूर्ख बना दिया, ठीक है बाबू मैं रियली में बता देता हूँ, अगर कोई अब की बार ऐसा कुछ कर रहा है ना, जैसे कि एग्जाम से पहले वीडियो बना दे रहा है, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो वीडियो कोई भी नहीं बनाएगा, अगर कोई बना रहा है तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेकर के बना रहा है, ठीक है, उसकी जेल भी हो सकती है। और आप लोग भी चीट करने के पीछे क्यों पड़े हुए हो, ठीक है, ये क्वेश्चन वैसा है ही नहीं और आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो आपकी इच्छा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला हूँ, लेकिन ऐसे फ्रॉड हम लोग बिल्कुल ही नहीं करने वाले हैं, क्लियर ना। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, आपका एग्जाम बढ़िया से जाएगा अगर आपने मन से पढ़ाई की होगी तो, ठीक है। और मंथली ये आपका केवल जाँच हो रहा है ना, तो आप पूरी ईमानदारी से जा करके आप टेस्ट दो, यानी एक प्रकार के टेस्ट है, इसमें भी आप चीट करोगे तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लो, इसमें अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक के ही है, याद रखो ना, क्योंकि फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेंगे, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि मैंने आपको मूर्ख बना दिया, ये वो डिस डेट, समझ गया ना। अगर आपको मेरी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया व्हाट्सएप ग्रुप का भी, टेलीग्राम ग्रुप का भी, वहां से आप जुड़ सकते हो और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर मेरे प्यारे शेर और शेरणियों।